हेलो गाइस, वेलकम टू प्रणाल रेसिपी ट्री। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चिकन की एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। और आज हम बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू चिकन, जिसके लिए हमने ले लिया है 1 किलो बोनलेस चिकन। तो सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमने ले लिया है 1 बाउल दही, जिसका कि हमने पानी निकाल दिया। ये हंकड़ है, तो ये करीबन 4 चम्मच है। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 4 चम्मच दही। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी इसमें जितना कम रहेगा, हमारा जो चिकन का जो मैरिनेशन है उतना अच्छा बनेगा। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून, ये नॉर्मल मिर्ची पाउडर है, थोड़ी तेज है ये। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि इसका जो कलर है बहुत बढ़िया आएगा। आप चाहे तो इसके बदले इसमें थोड़ा सा कलर भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच इसमें डाल देंगे हम हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें हम गरम मसाला, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें हम चिकन मसाला, साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच नमक। और 1 चम्मच हमने लिया है ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे, ये हमने पुदीने के पत्ते लिए हैं, जिसे कि हमने सुखा के क्रश कर लिया है। अगर आपके पास में फ्रेश पुदीना होगा तो आप उसमें फ्रेश पुदीने की पत्ती जरूर डालिएगा, उससे इसका जो टेस्ट है बहुत बढ़िया आता है। साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, कसूरी मेथी भी इसके स्वाद को दुगुना कर देगा। थोड़ा सा क्रश कर लिया है, इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। और साथ ही हमने क्या किया है, हमने ले लिया है 1 चम्मच सरसों का तेल, जिसमें हमने डाल दिया है 2 चम्मच बेसन, और इसे हमने भून लिया है। तो ये भुना हुआ बेसन इस बाइंडिंग का काम करेगा, और साथ ही हमने इसमें ऑयल भी डाल दिया है। अगर आप कोशिश करिए इसमें सरसों का तेल लीजिए, जिससे कि इसका जो टेस्ट है एकदम स्मोकी आएगा। और इन सारी सामग्री को अच्छे से आप मिक्स कर देंगे, और साथ ही मैरिनेशन में डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, जिसे कि मैं डालना भूल गई थी। अब इन सारी सामग्री को अच्छे से हम हाथों से मिक्स कर लेंगे। इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, जिससे कि इसका मैरिनेशन पूरे चिकन के पीस पर अच्छे से लग जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमने चिकन पर अच्छे से मैरिनेशन लगा दिया है। देखिए, एक एक चिकन एक एक पीस पर अच्छे से इसका जो मैरिनेशन है अच्छे से कोट हो गया है, देखिए इस तरह से। अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे। आप इसे जितना ज्यादा देर तक मैरिनेशन के लिए रखेंगे, उतना ही हमारा जो चिकन है बहुत अच्छा बनेगा। तो अभी यहाँ सर्दी का सीजन है, इसलिए हम इसे ढक करके बाहर ही 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप इसे गर्मी के सीजन में बना रहे हैं तो आप इसे फ्रिज में ढक करके रख दीजिए। तो इसे रख देते हैं 4 से 5 घंटे मैरिनेट होने के लिए।